पन्ना जिले में धान खरीदी को लेकर दलालों और बिचौलियों ने अधिकारियों की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम दिया है, जिससे प्रदेश सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, जिसमें कुछ किसानों के पट्टों पर दलालों बिचौलियों ने अधिकारियों की मदद से फर्जी तरीके से धान उपार्जन का पंजीकरण करा दिया। जैसे ही पीड़ित किसानों को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों और तहसीलदार से शिकायत की, लेकिन भ्रष्ट तंत्र में लीन किसी भी अधिकारी ने इन पीड़ित किसानों की कोई सहायता नहीं की। समस्या ये है कि हमारी जमीन मम्मी और मेरी मिसेज के नाम थी, तो उसका पंजीयन शारदा पटेल नाम के व्यक्ति ने करवा लिया है, जो मुझे ही पता ही नहीं है। मैंने शिकायत करने के बाद भी कहीं शिकायत ली नहीं जाती और मेरा पंजीयन करवा लिया है। 1 हेक्टेयर 72 आरे का पंजीयन करवाया है और मेरे खेत में धान भी नहीं थी, जो कि धान का पंजीयन करवा लिया है। छोटे से एक टुकड़े में धान थी, बाकी कहीं धान भी नहीं थी। इन्होंने मिली भगत से, जिसकी भी मिली भगत हो इसमें, उन्होंने पंजीयन करवाया है और अपना खाता लगाया है, अपना मोबाइल नंबर लगाया है। ना मेरा मोबाइल नंबर लगा है, ना मेरा खाता लगा है और पंजीयन करवा लिया है। हमारी यही समस्या है। ज़मीन का पंजीयन शारदा पटेल ने करवा लिया है। मैं जो है शिकायत किया, कहीं जाएगा तो मेरी शिकायत नहीं हो रही है। मैं तहसील गया तो मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है, और मैं जो है कोई नहीं सुनाई हो। धान का पंजीयन करवा लिया। हाँ हाँ, कोई जानकारी नहीं है हमको। अब जो है हमारी जो है रिकॉर्ड स्कैन करवा करके पटवारी द्वारा, दोनों ने उनने मिल करके कराया पटवारी साहब से। और ये आरोप लगाया गया किसानों के द्वारा कि कुछ किसानों ने अपने खाते दिए भी नहीं, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उनके नाम पर पंजीयन करा लिया उनके पट्टे पर। इस प्रकार के केस कई सामने आ रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, जांच कराएंगे। अगर गलत पंजीयन कराया, जिसने पंजीयन कराया, राशि उसी के खाते में जाएगी धान बेचने के बाद, और राशि गलत तरीके से गई है तो राशि हम लोग जब्त करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। बता दें कि 2021 में पन्ना जिले के धान उत्पादन का अनुमानित उत्पादन 3 लाख क्विंटल तय किया गया था, लेकिन सवाल यह है कि जिन खेतों में धान लगाया ही नहीं गया, उन किसानों के पट्टे का दुरुपयोग कर कैसे दलालों और बिचौलियों ने पंजीकरण कराकर दूसरे प्रदेशों की धान को जमा करा दिया। इस पूरे घोटाले से राज्य शासन को जमकर चूना लगाया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी जानकारी के बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पन्ना से अमित सिंह की रिपोर्ट।